हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रेजी ज्ञान पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक रियलमी 5i के यूजर है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जो है रियलमी 5i की सितंबर मंथ की न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट C.75 के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इस अपडेट में आपको क्या कुछ नए फीचर्स जो देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ इस अपडेट की जो साइज कितनी होने वाली है। और इसी के साथ अगर आपको OT अपडेट नहीं मिली है तो आपको अपडेट कब तक मिल जाएगी और साथ ही में आपको मैनुअली अपडेट किस तरह से करना है, पूरी डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जो है बताने वाला हूं। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी यूजर्स से माफी चाहता हूं, पिछले एक दो महीने से आपको हमारे चैनल पे वीडियोस नहीं मिल रही है। तो फ्रेंड्स इसके मेरे कुछ पर्सनल रीजन थे जिसकी वजह से मैं आपको जो है चैनल पे वीडियोस नहीं दे पा रहा था, लेकिन फ्रेंड्स अब मैं आपको रेगुलर वीडियोस जो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो यहां पे फ्रेंड्स अगर आप एक रियलमी 5i यूजर है तो यहाँ पे रियलमी ने जो सितंबर मंथ की न्यू अपडेट जो है रोल आउट कर दी है रियलमी 5i यूजर्स के लिए। तो फ्रेंड्स इस अपडेट का वर्जन है C.75। तो आप जो सबसे पहले अपने डिवाइस की सेटिंग्स को ओपन कर लेना और एक बार डिवाइस की सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके आपको चेक कर लेना, आपको जो है डिवाइस में C.75 की अपडेट जो है देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो चुकी है अपडेट की, चलिए मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स के बारे में बताता हूँ, अपडेट की साइज वगैरह के बारे में। तो चलिए यहाँ से मैं जो सबसे पहले रियलमी कम्युनिटी एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सबसे ऊपर एक पोस्ट आ चुकी है सितंबर 2021 अपडेट फॉर रियलमी 5i। तो चलिए मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पोस्ट ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं UI वर्जन, तो यहाँ पे देख सकते हैं C.75 की अपडेट कंपनी ने जो रोल आउट कर दी है। तो चलिए अब बात करते हैं अपडेट की फीचर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीग्रेट्स द अगस्त एंड सितंबर 2021 एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैचेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अगस्त एंड सितंबर दोनों मंथ का सिक्योरिटी पैच जो है इंटीग्रेट करके प्रोवाइड करवा दिया है रियलमी ने। इसके बाद में बात करते हैं सिस्टम की। तो यहाँ पे आप जो सबसे पहले देख सकते हैं इम्प्रूव्ड सिस्टम परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस अपडेट में डिवाइस की परफॉर्मेंस को थोड़ा इम्प्रूव किया गया है। बात करते हैं लास्ट चेंज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्प्रूव्ड सिस्टम स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे सिस्टम को थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश की है रियलमी ने। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा चेंज जो है अपडेट में हमको देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए फाइनली बात करते हैं कि इस अपडेट की OTA साइज कितनी होने वाली है। तो फ्रेंड्स C.75 अपडेट की OTA साइज 219 MB आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं आपको OTA अपडेट नहीं मिलती हो तो आपको मैनुअली अपडेट किस तरह से करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डायरेक्टली वहां से भी आ सकते हैं। तो चलिए यहां से मैं सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो फ्रेंड्स यहां पे आपको कुछ इस तरह से जो है रियलमी 5i न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट जो टाइप कर देना है और इसको यहाँ से जो सर्च कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो है रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है realme.com। तो सिंपली आपको यहाँ से इसे ओपन कर लेना है और इसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जो है आ सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स देख सकते हैं वेबसाइट हमारी ओपन हो चुकी है। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से स्क्रॉल डाउन करता हूँ और जल्दी से जो रियलमी 5i डिवाइस को जो है ढूंढ लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं realme X7 Pro 5G आ चुका है, यहाँ पर realme 7i आ चुका है। तो फटाफट से हम जो रियलमी 5i को यहाँ से जो है निकाल लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं रियलमी 5i हमको मिल चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं मैनुअली अपडेट भी कंपनी ने प्रोवाइड करवा दी है। यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट वर्जन है C.75। रिलीज टाइम की हम बात करें तो ये 23 सितंबर को कंपनी ने ये जो अपडेट है यहाँ पे रिलीज़ की थी। इसके बाद में अगर आपको मैनुअली अपडेट करनी है तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको 2.99 GB की जो फाइल है इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको डाउनलोड किस तरह से करना वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सबसे पहले येलो कलर का डाउनलोड बटन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में कन्फर्म करके इस अपडेट को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अपडेट डाउनलोड करने के बाद में फ्रेंड्स आपको डायरेक्टली फाइल मैनेजर में जाना है और वहाँ से इस अपडेट की फाइल पे क्लिक करके अपडेट नाउ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप अपडेट नाउ पे क्लिक करेंगे आपका जो डिवाइस है ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद में आप अपने डिवाइस में जो C.75 की अपडेट का इंजॉय कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इतना डेटा जो वेस्ट नहीं करना चाहते तो आपको जो है 1 वीक तक वेट कर लेना है, ये जो अपडेट है ये आपको सभी यूजर्स को जो लगभग देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रेजी ज्ञान को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।